हेलो पेरेंट्स, देखिए मैं किस तरीके से अपने अंकुर को किस तरीके से मैं पूरे ड्राइंग्स वगैरह करके, ये बॉक्स है, बॉल है, मैंगो, एप्पल, आइसक्रीम और कुल्फ़ी, मतलब ये पूरी मैं आपको ड्राइंग वगैरह करके दी। उससे क्या होगा, बच्चे को पहचान भी होता है और बच्चे किस तरीके से लिखेंगे। अब इसको काउंट करके पूरा यहाँ नंबर्स वगैरह ये पूरा लिखेगा यहाँ, ठीक है। तो किस तरीके से करना है ये आप वो आपको आप करके बताएगा कि आप मतलब बच्चे को कैसे करोगे, कैसे क्या करोगे, आज वो आपको बताएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप इसी तरीके से अपने बच्चे को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा सकते हो, जो बहुत ही इजी है। लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत शरारत भी करते हैं, लेकिन उस शरारत का एक हल भी निकलता है। उसको बड़े मीठे से प्यार से अगर समझाया अगर जाए तो वो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो आना चाहिए कि हाँ कैसे करना है, ये अगर आपको पता चल जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बॉक्स में हाथ लिखियो? हाँ, हाथ से लिखियो। काउंट करो। ये क्या चीज है? बॉक्स है वो। बॉक्स, ये भी बॉक्स? हाँ, काउंट करो। 1 2 1 2। मम्मी को रखो ना या दबाओ ना। देख रहे हैं किस तरीके से नखरा करता है, लेकिन हाँ इसी तरीके से आपको भी करवाना है। लेकिन हाँ पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे होगा, लेकिन बहुत ही प्यार से। 4 लिखो यहाँ ऊपर, ऊपर वाले बॉक्स में खींचो। काउंट काउंट किए, कितना आया, कितना आया, कितने नंबर बॉक्स, कितने हैं वहाँ? 2 बॉक्स हैं यहाँ। कितने बॉक्स है, फिर से काउंट करो। ओ नहीं, ये भाई देखो भैया, 5 2 3 4 5 5 बॉल लिख दो, 5 लिखो। 5 वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट 2 3 4 5 6 6 क्या है? 6 मैंगो। मैंगो लिखो, मैंगो कितने, 6 लिखो हम। 6 वेरी गुड। मम्मी एक तो बाहर निकल गया। बाहर निकल गया, मिटा दो। नहीं मिटाना नहीं है, उसको लिखते जाओ। चलो फिर करो। एप्पल कितने एप्पल हैं? अब तुमको देखो, 1 2 3 हाँ ऊपर वाला, यहाँ से काउंट करो ऊपर से। 4 1 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। कितने हैं? कितने एप्पल? 7 एप्पल। हाँ यहाँ 7। हाँ वेरी गुड। आइसक्रीम ऊपर से, 1 2 3 4 नीचे वाला, 5 6 7 8 हाँ 8 होगा, 8 वेरी गुड। अब यहाँ लिखो, 1 2 3 3 कुंडी। लिख दो लिख दो। 9 हाँ वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको भी बच्चे को इसी तरीके से प्यार से समझाना है और पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है ये आपको तो पता चल गया कि नंबर वाइज किस तरीके से काउंट करना है, किस तरीके से करना है। अब ये है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है जो अंकुर इसके पहले अंकुर ने किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये बीच में ये प्लस वगैरह दिया हुआ है, ये देखिए प्लस, ठीक है, और ये है इक्वल, ठीक है। तो ये सारे प्लस करके यहाँ अंकुर ने लिख, 5 6 हो गया, 7 7 7 के बाद 8 9 यहाँ कितने लिख, क्या नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ? 8 9 9 वेरी गुड। अब उसके बाद मैंगोस को काउंट करो। ये 2 चीज़ें? हाँ 2 3 उसके नीचे, उसके नीचे हाँ 3 है, उसके बाद
फोर। हाँ तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गए मैंगो? फोर टोट, फोर हो गए, फोर मैंगो लिख दो। फोर, हाँ फोर लिखो। ये हो गया। उसके बाद वन टू थ्री, थ्री। उसके बाद थ्री के बाद फोर, हाँ फाइव सिक्स सेवन। लिखो सिक्स। दिए नहीं, सॉरी बॉक्स मिट गया मेरे से, तो उसको पहले लिख लो। क्या लिखना है यहाँ, कितने नंबर लिखने हैं? सेवन। हाँ लिखो। कोई मसला था ही काम रहता है ना। उसके बाद बॉल्स को अब काउंट करो। बॉल नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखोगे, बॉल तो लिखना पड़ेगा। बॉल का लिखो यहाँ पास, ए बॉक्स के अंदर ही लिखो। बॉक्स को कलर कर दिए हो ना, इस बॉक्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो पहले इसको करो, काउंट करो पहले। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स। उसके बाद सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन। वेरी गुड, फोर्टीन बॉल्स। अब फोर्टीन यहाँ लिख दो, फोर्टीन लिखो। फोर यहाँ, सॉरी वहाँ पास नहीं होगा लिखा, यहाँ पास लिखो। हाँ वन, यहाँ फोर लिखो इधर। हाँ फोर, हाँ वन एंड फोर, फोर्टीन हो गया। तो ये देखिए इस तरीके से, देखिए ये प्लस में प्लस भी करना भी, ये भी अंकुर ने किया है, और ये काउंट करके हैं नंबर वाइज। यहाँ ये भी अंकुर नहीं लिखा है, यह भी आपको मैंने बताया। तो देखिए किस तरीके से अंकुर पूरे इस होमवर्क को, मैं जो उसको दी हूँ, ये पूरा किस तरीके से देखिए उसने कर डाला है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आप प्लीज़ आप भी इसी तरीके से करवाइए, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यकीन दिलाती हूँ आपके बच्चे भी इसी तरीके से बहुत प्यार से वो भी करना सीख जाएंगे धीरे धीरे। जो थोड़े बहुत बच्चे नखरे दिखाते हैं, तो उन नखरे को आपको थोड़ा सा सहना है, और सहने के बाद आपको वो करके भी दिखाएंगे। तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।